अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के लिए चाहिए आपको बहुत सारे पैसे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सिर्फ 500 रुपये से भी कर सकते हैं। यानी अगर अभी आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, और इवन अगर आपकी जेब में 500 रुपये भी नहीं है तब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना तो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसे आएंगे तब सीखना शुरू करोगे, तब तो फिर बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। तो कैसे आप कम पैसे से स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, यही मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो भी आपको शुरुआत में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये आज की वीडियो में आप समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि अभी आपके पास कोई भी पैसे नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है, तो इस टाइम पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने का। यानी भले ही आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग तो कर सकते हैं, तो अभी आप सीखने पे फोकस कीजिए। इवन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला था, उस टाइम पर मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो शुरुआत में मैंने भी सीखने पर फोकस किया, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि आपने लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आप तैयार हैं तो अभी के अभी कमेंट कीजिए कि मैं अभी लर्निंग पे फोकस करूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में कम पैसे लेकर आ रहे हो या कोई भी पैसे के बिना आ रहे हो, तो इसके सिर्फ नेगेटिव्स नहीं है, इसके सिर्फ नुकसान नहीं है, इसके कुछ फायदे भी हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि शुरुआत में जब आपके पास डुबाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे ना, तो आपको लॉस भी कम होगा। जबकि बहुत सारे लोग जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो क्योंकि उनके पास पैसा तो है, नॉलेज नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं कि वो उस पैसे को सीधा ही इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें थोड़ी बहुत चीजें पता चलती है, शेयर खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, छोटी मोटी चीजें उन्होंने सीख ली और उसके हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली या ट्रेडिंग कर ली। अब उनके पास क्योंकि टाइम नहीं था, जेब में पैसा तो पड़ा ही था, तो उन्होंने एक साथ खूब सारा पैसा लगा दिया। अब ऐसे में अगर उन्हें प्रॉफिट हो गया फिर तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। अब जिन लोगों को नुकसान हो जाता है, उन्होंने क्योंकि शुरुआत में ही बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो अब उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप कम पैसे के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो यहां पर आपको लॉस भी छोटा ही होगा, जिससे आप आगे चल के जब आपके पास पैसे होंगे, आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या कहीं से भी आपके पास पैसे आएंगे और उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, तो अब आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा बढ़ चुका होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपने चीजें देख ली हैं, छोटे लॉस देख लिए, छोटे प्रॉफिट देख लिए, तो आपको काफी चीजों का आइडिया हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में अगर आपके पास कम पैसे हैं तो ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और इसके साथ ही आप अपना एक डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिए, और उसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आजकल फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाते हैं। और कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इस डीमैट अकाउंट का यूज करके ही शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते हैं, ट्रेडिंग की जाती है, इन्वेस्टिंग की जाती है, तो डीमैट अकाउंट तो आपके पास होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट, जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है, आप थोड़े बहुत पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो यहां पर आपको यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप YouTube में जो ट्रेडर्स को देखते हैं, इन्वेस्टर्स को देखते हैं, जिसमें कोई ट्रेडर दिखा रहा है कि मेरे को एक ट्रेड में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है, 2 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिखा रहा है कि उसने नई गाड़ी खरीद ली है, और ऐसा आप लाइफस्टाइल देखते हैं, ऐसा प्रॉफिट देखते हैं, और आप सोचते हैं कि यार घर बैठे बैठे इतना पैसा, लाइफ सेट हो जाएगी, मैं जहां चाहे घूम सकता हूं, वहां बैठ के ट्रेड करूंगा, वहां पैसे कमाऊंगा। तो इस थिंकिंग के साथ जब आप आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी डेली के लाखों कमाऊंगा, डेली के करोड़ों कमाऊंगा, तो यहां पर एक बार थम जाओ, समझ लो कि देखो बहुत सारे लोग जो आपको अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारे फेक लोग भी हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि लोग डेली के करोड़ नहीं कमाते हैं, इसमें जेन्युइन लोग भी हैं, लेकिन वहां पर एक बात समझो कि अगर कोई डेली का 1 करोड़ रुपए आपको कमा के दिखा रहा है ना, तो ऐसा कभी नहीं है कि वो रोज प्रॉफिट कर रहा होगा, उसको कभी ना कभी नुकसान भी होता है, जिसमें कुछ लोग अपने नुकसान को छुपा देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हैं। तो आपको समझना है कि डेली प्रॉफिट नहीं होता, अगर उसको आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है कल उसको 3 करोड़ का नुकसान भी हुआ हो,
तो आपको पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात ये समझो कि अगर उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है ना, उसने हो सकता है कि 20 करोड़ रुपए ट्रेड में लगा रखे होंगे और तब जाके उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि आपके पास है कम पैसे, आपने देख लिया 1 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपए से भी अपनी शुरुआत कर रहे हैं और वहां पर अगर आपको 1,000 का भी प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो आप सोचोगे नहीं यार इससे क्या होगा, मुझे तो करोड़ कमाने हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग वो हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका रियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से रिटर्न्स के बारे में सोचें, शुरुआत में ही इतने बड़े बड़े टारगेट्स लेकर ना चलें। अगर आपके टारगेट्स इतने बड़े होंगे तो आपकी साइकोलॉजी शुरू में ही ख़राब है, और इतनी ख़राब साइकोलॉजी के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक पैसे नहीं कमा पाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि एक दिन आपका पैसा डबल हो जाए, उस दिन आप बहुत खुश हो जाएंगे, अगले दिन हो सकता है कि ज़ीरो हो जाए, तो फिर आप लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएंगे। अगर आपको लंबे टाइम तक टिकना है तो फिर आपको रियलिस्टिक रहना होगा। तो रियलिस्टिक रहने के लिए आपकी कैपिटल क्या है और उस कैपिटल के ऊपर आप महीने के कितने रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। आप 10% कमाना चाहते हैं, 20% कमाना चाहते हैं, मान लो 5,000 रुपए है और आप चाहते हैं कि आपको डेली अगर ट्रेडिंग करोगे तो कितना कमाना है, महीने का कितना कमाना है, ये पहले से ही फिक्स कर लो। और इवन मैं कहता हूं कि बाद की क्यों सोचनी, अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी फिक्स कर लो कि आपके पास इतने पैसे हैं और इससे इतने रिटर्न्स कमाने हैं, और इसको कमेंट करो, अभी के अभी कमेंट करना है आपने। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट, जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और स्पेशली थोड़े पैसे लेके आ रहे हो, आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो यहां पर एक बात समझो कि आपको स्टॉक मार्केट से एक दिन पैसे नहीं कमाने हैं, आपको कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। और कंसिस्टेंटली पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब आप अपने माइंड में एक टारगेट रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो वहां पे आप टारगेट रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि आपका जो टारगेट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने बात की थी। बट ज्यादातर लोग जो शुरुआत में स्टॉक मार्केट में आते हैं और उनके पास कम पैसे होते हैं ना, तो वहां पर वो बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन या दो दिन तो पैसे कमा लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। मतलब मान लो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए लेकर आए हो, तो हो सकता है कि अगर आप पुश करेंगे अपनी लिमिट को तो आप एक दिन में उस 5,000 के 15,000 बना दें, लेकिन ये सिर्फ एक दिन बने हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो ये जो अगले दिन आप 15,000 लेके जाएंगे ना, वो 15,000 जीरो भी हो जाएंगे। जबकि इसकी जगह पे अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और आप 5,000 रुपए पे अगर कोशिश करते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 10% का रिटर्न कमाना है, और वहां पर आप 500 रुपए कमाते हैं, तो ये 500 रुपए आप कंसिस्टेंटली कमाकर जो एक बार में आपने कमाया था ना, उससे ज्यादा बड़ा अमाउंट कर सकते हैं। यानी आपने बड़े बड़े टारगेट्स को एक दिन में ही शुरुआत में अचीव करने की नहीं सोचनी है, आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की सोचनी है, चाहे वो प्रॉफिट थोड़ा ही हो। तो अगर आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो फिर एक बारी में बड़ा हाथ मारने की मत सोचो, छोटे छोटे हाथ मारने की सोचोगे तो बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट, जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और आपकी जो कैपिटल है वो बहुत कम है, तो ऐसे में आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, चाहे आप कितना भी सीख के आ जाओ, किसी भी तरीके से सीख के आ जाओ, गलतियां होंगी। तो पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपसे कम से कम गलतियां हों, लेकिन जो गलतियां आपसे हो जाती हैं, आपने उन गलतियों से सीखना है। क्योंकि अगर आप उस गलती से सीखेंगे नहीं, तो आप उस गलती को बार बार रिपीट करेंगे और बार बार एक ही गलती पर अपना नुकसान करवाएंगे। तो आपसे अगर एक बार गलती होती है तो उस गलती से सीखो, और अगली बार गलती करनी है तो कोई नई गलती करो, कोई दूसरी गलती करो, और वैसे कोशिश करो कि कम से कम गलती करें, और साथ में ही दूसरे लोग जो गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखो। और उनकी गलतियों से आप कैसे सीखेंगे, जब आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। यानी आपने गलतियों से सीखना है, अपने नुकसान से सीखना है, और दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। क्योंकि अगर आपकी कैपिटल कम है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो फिर सारी गलतियां आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब आप सीख रहे होंगे और आपसे जो गलती होगी उस गलती में आपको नुकसान होगा, तो वहां पर यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या गलती की थी, किस गलती की वजह से आपको नुकसान हुआ, और उस गलती को आप नेक्स्ट टाइम अवॉइड कैसे करेंगे। अब यहीं पर गलती से याद आया कि अगर आपने कोई ट्रेडिंग में गलती की है, इन्वेस्टमेंट में गलती की है, तो उस गलती को अभी के अभी कमेंट करो। और यहां पर जब सभी लोग कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप अपनी गलती बता रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी गलती बता रहा है। तो आप पहले अपना कमेंट करके अपनी गलती बताओ, और फिर बाकी लोगों ने जो गलती की है आप उनके कमेंट को पढ़ो
इससे आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। तो यहीं से दूसरों की गलतियों से सीखने की आपकी शुरुआत हो सकती है। तो कमेंट अपनी गलती जरूर कीजिएगा और दूसरों की गलतियों को पढ़िएगा भी जरूर। वैसे अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। नेक्स्ट, जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाएंगे, वो है अपने रिस्क को समझना, यानी अपने रिस्क एपेटाइट को आपको समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं लेकिन वो कम रिस्क ले सकता है, तो आप दोनों की जो इन्वेस्टमेंट के तरीके होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी आपको अपनी कैपिटल के साथ साथ अपने रिस्क को भी एनालाइज करना है, और अगर आपको दिखाई देता है कि हाँ, मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास अगर 5,000 रुपए भी हैं तो इस पर भी मैं 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, इस केस में 1,000 रुपए भी एक बड़ा रिस्क होगा, तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप कम रिस्क ले सकते हैं तो फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, फिर आपके पास चाहे ज्यादा पैसे हो कम पैसे हो, तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही जाएंगे, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, आप उनमें ही इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो हो सकता है कि आप मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर लें, यानी जो मीडियम कंपनीज होती हैं साइज में। और अगर आप थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या आपको लगता है कि आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, तो वहां पर फिर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जा सकते हैं, जिनमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आपने अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट को समझना है, फिर आपके हिसाब से क्या बेटर है वो सोच समझ कर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके आगे भी आपने, क्योंकि अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, तो हमने 2 वीडियो बना रखी है जहां से आप इसके आगे की चीजें सीख सकते हैं। आज आपको बेसिक नॉलेज मिल रही है, अब इससे आगे भी तो आपको बढ़ना होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी 2 वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जिसमें जो पहली वीडियो है उसमें आप स्टॉक मार्केट के सभी बेसिक्स को समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर हमने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं, वो एक बहुत ही लंबी वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। तो इन तीनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो इस वीडियो के बाद उन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको आगे भी सीखना है और अर्निंग करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि मेरे लिए आपको बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप नए हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको मिसगाइड करेंगे, आपका फायदा उठाना चाहेंगे, तो ऐसा वो लोग ना कर पाएं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी अपने स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा है ना कि आप शॉर्टकट से पैसे कमा सकते हैं, आपके पैसे जल्दी से कोई और डबल करके देख सकता है, आपको उसमें हर महीने कुछ फिक्स रिटर्न्स दे सकता है, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि वो स्टॉक मार्केट से ऐसा कर सकता है, तो समझ लीजिए कि वो फेक है, वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट के नाम पर जो होता है वो होता है स्कैम। तो आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो, इसलिए अगर आपको कोई बताता है कि मैं आपको कॉल दूंगा, आप मुझे हर महीने 2,000 रुपए दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां पर शेयर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पकड़ना, उसको पेड कॉल्स कहते हैं, वो आपसे पैसे ले लेंगे, उसके बाद या तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे पैसे लेने के बाद, और अगर उसके बाद बताएंगे भी तो हो सकता है कि एक आध बार तुक्के से आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो इस चक्कर में मत पड़ना। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि आजकल YouTube में बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि ये 10 रुपए का शेयर है, 50 रुपए जाएगा, अभी खरीद लो, तो इनसे भी दूर रहना है, ये भी स्कैम कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके के स्कैम्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे आप खुद को सावधान रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और फाइनली लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए, वो है कि क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं ये उतना ज्यादा बेटर है। क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली है कैपिटल, यानी आप कितना पैसा लेकर आ रहे हैं। दूसरा है आपके रिटर्न्स, यानी आप उस पैसे पे कितने रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। और तीसरा है टाइम। अब देखिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आपके पास ऑप्शन बचता है कि या तो आप ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करें या फिर आपके पास ज्यादा टाइम हो।
अब रिटर्न्स आप कितने जनरेट करेंगे ये टोटली आपके ऊपर नहीं है, ये आपके स्किल के ऊपर है, आप सीखेंगे उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और आपके पास टाइम है तो जितनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं ये तो आपके हाथ में है, इसलिए टाइम का यूज करें, जितनी जल्दी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं शुरुआत कर दें। और इसके लिए चाहिए होगा आपको एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक दिया है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहां पर आपको हमारी जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो है वो दिखाई दे रही है। इसमें से सबसे पहले अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो बेसिक्स की वीडियो देख लो, और अगर ठीक ठाक नॉलेज है इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो, और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।